लास्ट वीडियो वी डिस्कस टू टाइप ऑफ वेजिटेशन. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इज ऑल्सो नेम इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सेकेंड इज ट्रॉपिकल डियोटिस फॉरेस्ट, इज रेफर टू द सेकेंड नेम इज मानसून फॉरेस्ट. थर्ड इज थ्रोन फॉरेस्ट एंड प्रस फॉरेस्ट. टूडे वी लर्न द हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट. एट हाइट द 10,000 टू 2,000 मीटर विथ टेम्परेचर. सेकेंड इज ब्रॉड ट्री लीव्स, यानी कि जो इसके पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं. सॉफ्ट वुड, वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है. थर्ड मेन जो ट्रीज हैं उसमें आते हैं ओक एंड चेरिस्टिस. एंड जो ज़्यादातर जो इसमें जो जानवर पाए जाते हैं वो है कश्मीरी साग, सॉफ्ट्रा, बियर, शेप, जार्क एंड रैबिट. एंड इस तरीके के जो वन हैं वो हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ द दिस हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट इज इन पेड़ों की लंबाई 1500 टू 3000 मीटर तक होती हैं. और इसकी जो पेड़ हैं उनकी जो प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आती है कौन शार्प ट्रीज. इनकी जो पत्तियां होती है वो कोनेदार होती हैं, तिकोनी होती हैं. नीडल लाइक लीव्स द प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो, यानी कि जो इनकी जो नीडल जो नुकीली जो पत्तियों के पत्तियां जो नुकीली होती है वो इन्हें स्नो यानी कि जो बर्फ है उससे बचाने के लिए रखती है. एट हायर लीव्स ग्रास लैंड फाउंड, और यहाँ पर बड़ी बड़ी घास के मैदान भी पाए जाते हैं. मेन जो इनमें जो प्रमुख मुख्य जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं पिने, देवबार, सिल्वर फायर, सेप्रस एंड कैवर. थर्ड टाइप द हिमालयन फॉरेस्ट इज जो उनकी हाइट जो होती है वो होती है 3,600 मीटर. और इन्हें अल्पाइन वेजिटेशन भी कहते हैं, अल्पाइन वनस्पति भी कहते हैं. इनमें मुख्यतः ग्रासलैंड यूज बाय प्रोस्टल डोमिनेट ऑफ द एरियाज, मोस्टली यहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं. और जो इनमें जो जो प्रमुख जो इनके जो ट्रीज हैं उनमें है जूनिपर, पीने एंड ब्रांच. और यहाँ पर पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल में है रेड पांडा, स्नो एंड लियोपार्ड. एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रबाइल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट है. इसमें जो मुख्यतः जो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आती हैं सुंदरी ट्री हैज रूट सबमर्ज इन सलाइन वाटर प्रोवाइड हार्ड ट्रिवर्स, यानी कि जो सुंदरी जो वन है वो खारे पानी में भी उत्पन्न हो जाते हैं. इसलिए जो मैग्रो वन है उसमें सुंदरी वन ज़्यादा तरीके से ज़्यादा पाए जाते हैं. जो मुख्य जो ट्रीज हैं उसमें आते हैं सुंदरी, प्लम, कोकोनट एंड एगर. इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो है बंगाल टाइगर, ट्रिपलिस, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक. और जो एरियाज हैं वो है डेल्टा ऑफ महानदी, कावेरी, गोदावरी एंड वेस्ट बंगाल. द मेन थिंग इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया, यानी कि जो जंगली जीवन को बचाने संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था भारत में 1972 में हुआ था. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एट हैज बोथ लॉयन एंड टाइगर. भारत केवल एक पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लॉयन यानी कि शेर एंड टाइगर यानी कि बाघ दोनों पाए जाते हैं. गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेटेड ऑफ एशियाटिक लॉयन, यानी कि जो भारत में अगर आप देखें
एशियन लॉयन का केवल एक ही क्षेत्र जो अभी बचा है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट। द कंट्री हैज़ अराउंड 90,000 एनिमल स्पैसीज, 2,000 स्पैसीज ऑफ बर्ड एंड 2,546 स्पैसीज ऑफ फिश एंड 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यानी कि जो भारत है, भारत में 90,000 तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें 2,000 पक्षी की प्रजातियां और 2,546 फिशेज, यानी कि जो मछलियां होती हैं। ये पूरे जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले एनिमल का 5 to 8% माना जाता है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना इस गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप। जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो सरकार है, सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। पूरे जो भारत में वो 14 जैव संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाना जाता है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ प्रोवाइडेड टू मैनी बायोलॉजिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। मतलब 1992 से लेकर और अभी तक भारत में कई है जो फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजिकल गार्डन बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि भारत सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रीनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस तरीके के कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिससे इनको सेव किया जा सकता है। 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन आर सेटअप टू टेक केयर नेचुरल हैबिटेशंस ऑफ द फौना। यानी कि जीव जंतुओं को बचाए रखने के लिए 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल पार्क भारत